मम्मी सुनो ना, सुनो ना, बाद में कर देना, सुनो ना, रुको, कैमरा मैला है, रुको। सुनो मम्मी, कल एग्जाम है, मेरे को बैठ जाने दो, मैं नंगा होके खड़ा हुआ हूँ। जाने दो, बिस्कुट चॉकलेट ठुका और बॉट ठुका सब अरे रख लेना। अरे वो खाता हूँ तो साइड में रख देता हूँ उसको, उठ के फिर उठा डस्टबिन के में, ले कितने सुनो ना सुनो, डस्टबिन में जाके रखने में फिर टाइम वेस्ट होगा कि नहीं? देख लो पानी का बोतल कुछ नहीं। अब वो तो आप करने के लिए हो ना, पढ़ाई आप करोगे क्या बताओ? आप पढ़ाई करोगे, मैं घर के काम कर लूंगा, आप बताओ कर पाओगे? होगा नहीं। हाँ तो फिर पढ़ चुका हूँ, पढ़ चुका पढ़ चुका हो परे? हाँ बहुत पढ़ा हो, रहने दो, मत बोलो, आप कर लो पहले काम। मैं पैंट शर्ट मोर कहाँ गया दोस्तों? मैं बहुत खराब हालत में हूँ, दिखा नहीं सकता, इसलिए मम्मी को ही देख लो तुम लोग। वो रख दो, उधर ही रख दो, एक उधर रखो एक इधर रखो, पापा का एक मेरा एक, सुनो ना। अरे दो दो करके रखो। अरे नहीं, उधर बैग रखूंगा मैं पढ़ने के टाइम, उसको एक को इधर रखो ना, पापा के पैर के साइड, एक मेरे पैर के साइड। अबे जल्दी बोल। हाँ एक उधर रखो, वो एक उधर रखो, ना उधर एक साइड था। अरे पापा पैर रख देते हैं, रात को भूल जाता हूँ, फिर रात में मेरे को पापा के पैर से ये खींचने का मन नहीं करता। आप नहीं समझोगे, छोटी बच्ची हो आप। बात तो सही है। हाँ साफ कर दो, ऐसा बेटा है मेरा, मैं आपका बेटा हूँ सच्ची में? नहीं हूँ, सच बता दो। आज मेरे को एडॉप्ट पैसा वो बहुत हो रहा है इसलिए पका दिया। दो 20 रुपए दोस्तों, मेरा पॉकेट मनी। अच्छा सुनो ना, हाँ बस सुझे क्या है ला? अरे 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 गोड़, अरे एक सुनो दो, इधर वो पाँव पोछा कहाँ गया? घर घर सारा एक भी पाँव पोछा नहीं है। ऊपर चघूंगा, पैंट शर्ट तो पहनने दो, लुंगी पहन के बैठा हूँ। ऊपर तो चौक पोछा भी नहीं। अरे चग, बैठ के ऊपर चढ़ के पहनूंगा, बैठ के ऊपर चढ़ के कैसे पहनूंगा पैंट शर्ट? हाँ दो, ओ मैं पहन लूंगा। अब जाइए। अरे मैं कर कर जानता हूँ, वो करना जानता हूँ। ठीक है, जेंचे है। नहीं वो नहीं, वो नहीं, अरे मैं नहीं पहनूंगा, शर्ट नहीं पहनूंगा, मैं नंगा घूमूंगा। क्या बोला तूने? नहीं वो आपका है, वो आपका है, वो टी शर्ट आप, आपका टी शर्ट है वो, आपका टी शर्ट क्यों पहनूंगा मैं? एक पैंट बहुत है मेरे लिए। आप सुनो, आप जाओ, आप जाओ, लाइट एक ऑफ कर दो, पंखा चला दो। नहीं रख रहा ऊपर, पाया ऊपर झूला रहा हूँ मैं, पैर नहीं रख रहा नीचे। हाँ ऊपर चढ़ रहा हूँ यार, महा सुनो टाटा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। हालत खराब है दोस्तों। और ठीक है दोस्तों, शर्ट पहन लेता हूँ, उसके बाद वेलकम बैक करेंगे। हाँ कर दो अभी, वो कर दो। नहीं ये भवन किचन है, लड़कों का चलता है नहीं। अभी बज रहे हैं रात के 11:30 दोस्तों, और यहाँ पर मैं अपना एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पढ़ाई थोड़ा रैप अप कर रहा हूँ। कुछ खा लेते हैं उसके बाद सो जाएंगे। उससे पहले चलो मम्मी पापा से मिलते हैं, उनको थोड़ा पूछते हैं कि वो उनका जब एग्जाम का टाइमिंग होता था वो तब क्या करते थे। ओह माय गॉड। हेलो गाइस, हाय गाइस, क्या कर रहे हो गाइस? थोड़ा रुको, यहाँ पर थोड़ा टेंशन हो गया है। ओ थोड़ा बंद कर जा भाई, गीत गाओ। गीत नहीं गाओ, नहीं झूले, सुनो तो। अरे ना ना गो, सुनो ना माँ, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं कल एग्जाम है, सुनो ना, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। एग्जाम है तो, हाँ एग्जाम है तो, क्या एग्जाम? एग्जाम दूंगा जो, रात 11 बजे एग्जाम दूंगा क्या? सुनो तो आप, अच्छा अच्छा ये इतना बड़ा क्या लाऊंगा? ये आलू, आलू लाऊंगा। ओ हाँ वो आलू 200 है मेरा, लेकिन आलू लाऊंगा नहीं। सुनो तो आप, नहीं सुनो तो, बोलो तो। वो क्या बोल रहे थे, आपका जब एग्जाम होता था आप एक रात पहले उस एग्जाम के क्या करते थे? 6 बजे नो सुई पड़े। मम्मी को एग्जाम के बारे में पूछ रहा है। आपको पूछता हूँ, आप एग्जाम से पहले एक दिन पहले क्या करते थे? घर में नहीं रहते थे। 2 दिन तक सोता था पहले, वो एग्जाम के 2 दिन पहले सोते थे? सोते थे। और उसके पहले? उसके पहले तो सोते थे। शाबाश बेटा। और एग्जाम कैसा होता था? बढ़िया, बिना पढ़े। बिना पढ़े पढ़ने क्यों जाते? पढ़ने क्यों जाते हैं? सीखने के लिए। क्या सीख? अगर घर में आके पढ़ना पड़ता है तो क्या सीख के आते हो तुम लोग? अच्छा मतलब आप जब मास्टर, चुप रहो जाओ मम्मी, 2 सेकंड थम जाओ ना, मतलब आप जब मास्टर क्लास में पढ़ाता था तो आप सब समझ जाते? हम वही सुन के ही पढ़ लेते थे सब। और घर में आके नो रिविजन? और मैडम टीचर लोग जो बताते थे घर में जाके एक बार पढ़ना, क्या जो पढ़ाए थे वो घर में जाके एक बार रिवीजन करना, जो अगर कर लेते थे। मैं ऐसा नहीं बोलता, मेरे पापा मेरे को इतने साल से ये समझा रहे, ऐसा होता तो मैं नहीं पढ़ता, समझी? मैं समझता हूँ बात को, उनका मेंटल पावर अलग है, मेरा मेंटल पावर अलग है, वो एक बार सुन के याद नहीं, याद रख लेते हैं, मेरे से नहीं होता। आप कैसा करते थे बताओ? अमन गान ऑनलाइन ना थे निबरी नुरा लिवे गिरासनी सॉरी जी बावली सुई पोनु 6 बजे तो बुआ बुझू छी ता हिंदी में बोलो ट्रांसलेट। हमारे गांव में लाइट नहीं था तो डिबरी में पढ़ना पड़ता है,
डिब्री की राशि नहीं भर के हाँ। कैंडल भी नहीं था हाँ। तो जल्दी जल्दी 6 बजे मेरे पापा मम्मी बोलते थे जल्दी जल्दी वो डिब्री का किरासिनी खत्म हो जाएगा हाँ। इस पाठ पढ़ लो और जल्दी जल्दी सो जाओ। 6 बजे से फूक लेते हैं डिब्री और सो जाते थे। एग्जाम में कुछ नहीं। एग्जाम कैसा होता था? एग्जाम तो ठीक होता था। एग्जाम ठीक होता था बिना पढ़े। আমার স্কুল ভাল পড়াউলে না ভাল মাস্টার মানে আমার টাকে খারাপ মাস্টার মানে অছ দেখো কহি পে ভি মাস্টার লোক কা দোষ নি হতা হ্যা সারা বচ্চে কা দিমাগ কা দোষ হতা হ্যা আগার সুনো আগার কোই বচ্চা উসকে পাস মোবাইল হ্যা ল্যাপটপ হ্যা নেটফ্লিক্স হ্যা অ্যামাজন প্রাইম হ্যা ডিজনি হটস্টার হ্যা ইয়ে সব হোনে কে বাদ ভি ও আগার পাস হো পা রাহা হ্যা তো উসকা জ্যাদা বড়া অ্যাচিভমেন্ট হ্যা ক্যুকি জিসকে পাস ও সব নাহি হ্যা উসকে পাস তো কোই ডিস্ট্র্যাকশন ওয়ালা চিজ হ্যা ভি নাহি জিসকে পাস ইয়ে সব ডিস্ট্র্যাকশন ওয়ালা চিজ হ্যা অর ও ফির ভি পাস হো পা রাহা হ্যা মতলব উসকো অ্যাওয়ার্ড দেনা চাহিয়ে। पापा आप भी खेल के आते थे एग्जाम के पहले? खेलते ही थे। तो सोते कब थे? खेलने के बाद थे, सोते थे। खेलने के बाद सो जाते थे? खेलने के बाद ऑटोमेटिक ही नींद आ जाता था ना। लोगों को बाहर से घर खींच के लाते थे हमारे मम्मी पापा लोग। आप बाहर से अंदर नहीं आते थे? और तुम लोगों को घर से खींच के बाहर निकालना पड़ता है फिर भी तुम लोग नहीं निकलते। आजकल बाहर का माहौल ऐसा अच्छा रहा भी तो नहीं। क्यों? माहौल अपने हिसाब से होता है। अरे मैं अकेला निकल भी जाऊं और कोई निकलेगा क्या बताओ? सुन मेरे बड़े बड़ी मम्मी है ना बड़ी मम्मी। आपकी बड़ी मम्मी क्या आपकी बहन? मेरे बड़ी मम्मी मेरे बड़े मम्मी उनका भाई बहन नॉट हो भाई बहन नॉट हो भाई पूरा क्रिकेट टीम जन्म किए थे। उन लोग क्या करते थे? एक संध्या हो गया जो शाम हो गया एक आ गया दो आ गया तीन आ गया पांच ए 7 नंबर का नहीं आया। हम लोग भी 5 थे हाँ। हम लोग भी 5 भाई बहन थे। कितने थे कौन गिनता? मतलब 5 लौंडे घर के बाहर हैं तो मम्मी पापा एक आया दो आया तीन आया। फोन नहीं था ना? फोन नहीं था। फोन नहीं था हाँ। खोजने जाएंगे हाँ। तो गिनते थे 7 बजे तक गिनेंगे हाँ। 1 2 3 4 5 8 आ गए नए आ गए हाँ सारा कंप्लीट हो गए उसको टैट वैट दे के रख दे हाँ। फिर सुबह टैट खुलने से सारा चले जाते थे। ये बच्चे थे कि बकरी बच्चे थे कि बकरी गिने जा रहे थे? अरे बकरी भी इतना बच्चा नहीं देती यार। बकरी भी इतना बच्चा नहीं देती ना? नहीं देती वो आज पहले वाले दोस्तों प्लीज डू फैमिली प्लानिंग। पहले जो थे ना हाँ औरत लोग इतने सारे बच्चे देते थे। जन्म करता है तो औरत खाली जन्म करवा औरत का बोर नहीं करेगा जन्म बस बेटा। ये सब क्या डिस्कस हो रहा है गाइस? सुनो मैं खा के सो रहा हूँ दोस्तों। ये लोग जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी अभी मेरे को पढ़ाएंगे ना मैं डिस्टिंक्शन लाऊंगा। सुनो मैं जा रहा भाई। ओह माय गॉड गुड मॉर्निंग। तो आज है एग्जाम का दिन और मेरा दोस्त लेने आ रहा है। मैं थोड़ा दूर जा रहा हूँ जैसे कि जाता हूँ थोड़ा थोड़ा सब कुछ अभी आलिस वेल कल के लिख रहा हूँ। मेरा मुंह तोतला ऐसा होता है थोड़ा सुबह सुबह तो माफ़ करो। सब कुछ आलिस वेल है दोस्तों। जो होगा देखा जाएगा सब भगवान भरोसे लिखेंगे जो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन आंसर लिख देंगे होप फॉर द बेस्ट। तुम लोग जब ये वीडियो देख रहे हो तब तक तो मेरा एग्जाम खत्म भी हो चुके होंगे सारे के सारे। पर अपने मन में अपने दुआओं में मेरे को याद रखना दोस्तों। खैर रिजल्ट आने के टाइम तो दुआओं की जरूरत पड़ेगी। देखो एग्जाम तो देने जा रहा हूँ लिख रहा हूँ वो तो मेरे हाथ में है वो मैं कर सकता हूँ ठीक। लेकिन जब रिजल्ट जब एग्जाम वो लोग कॉपी जब चेक कर रहे होंगे उस वक्त तुम लोग का आशीर्वाद चाहिए कि जो कॉपी मेरा चेक कर रहा है उस बंदे का उस दिन उसकी बीवी के साथ झगड़ा ना हुआ हो क्योंकि उसके गुस्से में मेरा कॉपी ना घर घूर दे। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? होता है भाई ये होता है इसीलिए बोल रहा हूँ। अबे भाई तू अच्छे से फोकस तो हो रहा है ना? मैं बहुत बार देखता हूँ वीडियो में पीछे का ज्यादा फोकस हो रहा होता है भाई मुंह फोकस कर ले भाई। फाइनली ओवर पहला एग्जाम खत्म 11 तारीख वाला अभी बस 13 तारीख वाला एग्जाम बचा है और अभी जो एग्जाम खत्म हुआ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी स्पीचलेस गाइस। वाह क्या क्वेश्चन था बे सो सरल पर बहुत सारा लिखना पड़ा दोस्तों। टाइम भी मैनेज हुआ सब ठीक से ही हुआ है तो तुम्हारा भाई पास से ज्यादा लगेगा। ज्यादा मतलब अच्छा लगेगा। अरे अच्छा बहुत अच्छा बताऊंगा वाह जब रिजल्ट आएगा बता दूंगा ठीक है। तो अभी दोस्त अपना स्कूटी में पहुंच चुका है बोल रहा है कि पहुंच जा रहा हूँ उसके पास बैठेंगे और घर निकल जाएंगे दोस्तों। और आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। नेक्स्ट अगले एग्जाम का ब्लॉग अगले दिन शुरू करेंगे मतलब कल मतलब 12 तारीख से और फिर 13 तारीख के रात के टाइम से डेली ब्लॉगिंग विल बी देयर। सो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। एग्जाम अच्छा हुआ है दोस्तों। तुम लोग की दुआएं शायद अगर तुमने की है पता नहीं की है तो काम आई है
ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, अलविदा, जय हिंद। काफी बदले मेरी लाइफ के फेस पर, तुझसे मिलना मेरी लाइफ का एम, रहूंगा तेरे लिए करता मैं सेम, छोटा मोटा नहीं बड़ा है गेम। 3 दिन से देख रहा हूँ दोस्तों, मतलब 2-3 ब्लॉग से कि मैं बोल नहीं रहा हूँ, मतलब हमारे ब्लॉग में कोई भी नहीं बोल रहा है, तो तुम लोग कर भी नहीं रहे हो। क्या करना है मेरी मम्मी बताएंगे, मम्मी क्या करना है? लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया मम्मी बोल रही है दोस्तों। मम्मी क्या मैं बोल रहा हूँ, 1K कब करवा रहे, करवा दो यार, 1K ही तो है, 1000 बस, और 200-300 चाहिए, कर दो सबका सब एक साथ, जो जो मैं अभी देख रहा हूँ, 1000 तो करो, उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, 100 के जाएंगे, 1 मिलियन जाएंगे, पहले 1K करवाओ, क्योंकि 1K सबसे मुश्किल होता है। जो बताया तुम लोग कर दोगे, लेट कर रहे हो, जल्दी कर दो, कल भी होना है, इससे अच्छा आज ही कर दो। ओह माय गॉड।